आज की ये वीडियो बहुत बेहतरीन रहने वाली है। ऐसा कोई प्रोडक्ट निकालें हाँ, कि जो हर घर में हर रोज चलता हो। बिल्कुल, डिमांड हमेशा रहेगी। ऐसी कोई मशीन निकालें हाँ, जो बिना बिजली के चलती हो। बड़ी MNC कंपनीज भी इसमें शामिल है। गांव, देहात, कस्बा, शहर, कोई भी इस मशीन को चला सकता है। अभी तक यूट्यूब पे ये कंसेप्ट जो है ना, बिल्कुल ये है नहीं। 10,000 रुपए में उसका मतलब जो बिजनेस है बिल्कुल लाजवाब बिजनेस ये स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। खाली ये हैंडल घुमाना है सर, खाली हैंडल। ऑल इंडिया हम लोग डिलीवरी देते हैं आपको, जहाँ मंगवानी हम लोग वहाँ पहुँचा देंगे, बाय ट्रांसपोर्ट होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ युवा बिजनेस आइडियाज के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत बेहतरीन रहने वाली है। ये बेहतरीन बिजनेस में क्या फायदा हो सकता है, कैसे शुरू कर सकते हो, कितनी लागत आएगी, ये सारी जानकारी देने के लिए मेरे साथ अभी नीतीश जी हैं। नीतीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सर। सर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए ये अमेजिंग बिजनेस के बारे में। सर अमेजिंग बिजनेस का सबसे बड़ा फंडा तो हमारा ये था कि ऐसा कोई प्रोडक्ट निकालें हाँ, कि जो हर घर में हर रोज चलता हो। बिल्कुल। तो हाँ, कोई मुझे ये बोले कि सर इसकी डिमांड नहीं, तो वो तो है ही नहीं। हाँ, डिमांड हमेशा रहेगी। बिल्कुल। और जब तक हम लोग बर्तन साफ करेंगे जब तक तो ये रहेगा। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। जब तक इंसान खाना खाएगा बर्तन साफ, बिल्कुल बिल्कुल साफ होंगे, और तीनों टाइम तो कम से कम ये लगेगा। तो हमेशा इसकी डिमांड रहेगी और सप्लाई भी रेगुलर रहेगी। तो और हमारा दूसरा ये था उद्देश्य कि इस बार ऐसी कोई मशीन निकालें जो बिना बिजली की चलती हो, ठीक है। जिस क्योंकि बिना बिजली की चलने वाले व्यापार में क्या होता है सर कि आपको जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है वो कट जाती है। बिल्कुल, ठीक है। जितना भी मैनुअल बिजनेस होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी योगदान नहीं होता है कि आपके घर में बिजली आए कि नहीं आए, आपको इलेक्ट्रिक बिल देने की कोई जरूरत नहीं है। सही है। तो मैं अपने व्यूअर्स को नीतीश जी ये बोल सकता हूँ, बड़ी MNC कंपनीज भी इसमें शामिल है। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए उन्होंने मतलब बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ वो लोग धंधे को करते हैं, मतलब उसमें बहुत ज्यादा बड़ी फैक्ट्री लेंगे और वो लेंगे। लेकिन आप लोगों को पता है कि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो ये है कि ताकि जो एक आम इंसान है जो गांव देहात में कहीं पे बैठा है, कोई हाउसवाइफ हमारी वीडियो देख रही है, तो कहीं ना कहीं उसको ये बिजनेस पसंद आए। और इसमें कुछ और भी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन अभी पहले आपको डेमो करके दिखाते हैं, और भी थोड़ी थोड़ी सी जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो साथ में आपको मिलती रहेगी। तो चलिए नीतीश जी एक बार डेमो अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्शन कैसे होता है। और प्रोडक्शन में सबसे बेहतरीन बात यह है कि पूरे 12 पीस एक साथ निकल के आते हैं। इस जो शीट को अपने जो बड़ी शीट है उस शीट में से छोटी शीट हम निकाल लिए। आप अपने अनुसार जितनी भी लंबी इसको काट सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अपने हिसाब से छोटा काटा है। आप इसे लंबा जितने फुट का हो उतने फुट का काट सकते हो। अब मैं आपको पूरा प्रोडक्शन करके दिखाता हूँ। प्रोडक्शन में ये हमने अपने डाई के ऊपर ऐसे लगा दिए, इसको थोड़ा अंदर धकेल दिया है। धकेलने के बाद जो लीवर है इसे घुमाना है, पूरा मैनुअल है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत नहीं है। गांव, देहात, कस्बा, शहर, कोई भी इस मशीन को चला सकता है। और बहुत ही आसानी से आपके चलता रहेगा। ये देखिए पूरा का पूरा बाहर अंदर जा रहा है, वो आप इस साइड से देखिए पूरा निकल रहा है। ये आपका निकल गया है। निकलने के बाद हमें क्या करना है, ये जो पूरा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पार्ट है उसे निकाल देना है। हाँ जी। ट्राई करें कि एक्स्ट्रा जो हो सके ना निकले, ठीक है। इस तरह से देखिए, एक कूचा, दो, इसे हम ग्रीन स्क्रबर करते हैं जी। इस तरह से पूरे आप देखिए, फिनिशिंग देखिए, सब एक बार में पूरा आ रहा है। और एक शेप, एक साइज, एक शेप, एक साइज, 75x100 का साइज होता है जो हमारा नॉर्मल इंडस्ट्री में चलता है जी। ये देखिए पूरे के पूरे आपके रेडी हो गए हैं। हाँ। और आप खाली टाइमिंग देखिए सर। अभी नीतीश जी जैसे मैंने ऑब्जर्व करा कि लगभग शायद हमें 10 सेकंड या 12 सेकंड लगी होगी, बस इतना ही लगेगा। इतना एक मिनट में सर कितना प्रोडक्शन निकल सकता है सर? देखो अगर आप कटिंग करके सीट को लगाने की बात करें तो सर एक मिनट में 24 आइटम आपके रेडी हो जाते हैं, मतलब 24 पीस ऐसे रेडी हो जाते हैं एक मिनट में। उससे कम में ही होते हैं। हाँ। बट हम लोग मैक्सिमम 24 पीस एक मिनट में कह रहे हैं। ये नीतीश जी आपने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लेके आए हो, और मेरे जो व्यूअर्स हैं मैं सच में बहुत खुश हूँ पर्सनली के एक अभी तक YouTube पे ये कंसेप्ट जो है ना, बिल्कुल सर, ये है नहीं। और जो लोग देख रहे होंगे तो उनको बेहद मजा आने वाला है कि इस तरह का जो प्रोडक्ट है आप घर बैठे अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। और आपने देखा कि इसमें कोई ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं है, आप अपने फैमिली मेंबर के साथ मिलके ये स्टार्ट कर सकते हो। आप इस तरह से पैकेजिंग करके भी बेच सकते हो, और पैकेजिंग में माल बहुत अच्छे से बिकता है। आप देखिए हमने सर का पूरा ये लिखा हुआ है, युवा बिजनेस आइडिया पैक ऑफ 3। इस तरह से पूरा 3 का पैक आप बना सकते हो, या छुट्टे में भी ऐसा ही बना सकते हो। दोनों टाइप का पैकेजिंग इंडिया में चलता है। थोड़ा बारीकी से ये बताओ ना कि जैसे ये 3 का बंडल बना के बेचना है, तो 3 के बंडल को बना के बेचने में जो कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो क्या आ रही है, वो थोड़ा बताइए सर। देखिए सर अगर आप है ना, अगर रॉ मटेरियल की बात हम सबसे पहले करते हैं, रॉ मटेरियल सर 2 तरीके का मिलता है, 8 mm और 10 mm का। ठीक है, जो मार्केट में चलता है सर वो दोनों टाइप का चलता है। हाँ। प्लस वो कितना मतलब सॉफ्ट और कितना हार्ड है उस पर भी डिपेंड होता है। हाँ। ठीक है, ये आपको
कोई नहीं बताएगा कहीं भी कि भैया रॉ मटेरियल ऐसा वैसा भी आता है, खाली लोग हम लोग पूरा मशीन के साथ रॉ मटेरियल का पूरा जानकारी देंगे। तो अगर आप अच्छे वाला रॉ मटेरियल खरीदना चाहते हैं हमसे तो सर 250 रुपए और 300 रुपए 350 रुपए तक का रॉ मटेरियल आता है, ठीक है, 8mm 10mm दोनों में आता है। अगर आप जो हमने ये रेगुलर आपके लिए जो बनाया है इस टाइम, ठीक है, इस वाली शीट में से, तो जो इसका कॉस्टिंग सर आया है वो अगर 3 का पैकेज आप पूछो तो सर 4.40 रुपए है। 4.40 रुपए में तैयार हो जाता है, बिल्कुल तैयार हो जाता ये है ये पैकिंग के साथ में, पैकिंग के साथ। और ये मार्केट में अगर सर जैसे होलसेल में सप्लाई करना हो तो कितने तक का दे सकते हैं? सर देखो अगर होलसेल रिटेल की बात आप करोगे तो होलसेल रिटेल में सर ये 10 रुपए में जाता है, मतलब 5 रुपए का प्रॉफिट, 5 रुपए का प्रॉफिट तो सीधा सीधा है सर इसमें। और रिटेलर इसको कितने का बेच सकता है? 15-20 रुपए में, तो घर आपके कोई भी आसपास जो भी किराने वाला होता है ना उससे आप बोल रहे 15-20 रुपए में तो कम से कम देगा। अगर आप स्टैंडर्ड वाली बात करते हो ना सर, जी, जी। सेम रॉ मटेरियल होता है सर वो, हाँ। वो भी 55 रुपए का बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन है। और सर सबसे अच्छा प्रोडक्ट, सबसे अच्छी बात यह है कि आप समझ लो 1400-1500 रुपए दिन का आप रॉ मटेरियल खर्चा करके लगा रहे हो तो 2500-3000 रुपए आपके कहीं नहीं गए प्रॉफिट के, इतना आप आराम से कमा सकते हो इस मशीन से, जो कि बिना बिजली के है और कोई भी चला सकता है। खाली ये हैंडल घुमाना है सर, खाली हैंडल, ठीक है, डाइप पे अपना सब रख देना है और हर चीज आपका पूरा शेप निकला। देखिए पूरा का पूरा आप देखिए, एक भी ऊपर नीचे नहीं है। तो नीति जी एक फाइनल चीज बस ये पूछ रहे, हाँ जो ये मशीन आपने बनाई है, हाँ जी, इसकी कॉस्टिंग आप बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इस मशीन के साथ ऐसे 300 पीस भी रेडी हो जाए उसका भी कच्चा माल रॉ मटेरियल मैं आपको दूंगा साथ में, ठीक है, प्लस इसके साथ ये डाई भी आएगी जो 12 पीस एक बार में निकाल देती है, ठीक है। ऑल इंडिया हम लोग डिलीवरी देते हैं आपको, जहां मंगवानी हम लोग वहां पहुंचा देंगे, बाय ट्रांसपोर्ट होता है जी। तो आपको मात्र 10,000 रुपए खर्चा करना है, ठीक है, 10,000 रुपए में उसका मतलब जो बिजनेस है बिल्कुल लाजवाब बिजनेस ही स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इतना कि वो आराम से कहीं भी आपका दिखा सकता है जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये बेहतरीन बिजनेस आपको पसंद आया होगा, और इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अगर आपको और जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हो वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आपसे ऐसे ही किसी दमदार प्रोडक्ट के साथ या दमदार किसी एक बिजनेस आइडिया के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।